नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण, एक मजदूर जो कि एक फैक्ट्री ने निकाल दिया है और एक मजदूर की पीड़ा है कि कैसे देश में पेट्रोल पर, गैस पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तो आप बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि हमने आपको गैस सिलेंडर फ्री दे दिया है। अरे आपने गैस सिलेंडर तो फ्री दे दिया है, लेकिन बाबा गैस के दाम तो देखो, मजदूर आदमी, आम आदमी कहाँ से गैस लेगा इतनी महंगी। आप दिन पर दिन गैस पर पैसे बढ़ाते जा रहे हैं और जो गैस की कंपनियाँ हैं, जो तेली कंपनियाँ हैं, वो आपकी बात नहीं सुनती हैं, तो फिर क्यों आप इन कंपनियों को बेच रहे हो, क्यों इन्हें निजीकरण कर रहे हो जब आपकी बात नहीं मानती। मैं आज जो रसोई गैस है हमारी, इस पर जो इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, उनका पूरा विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। और जब आप मन से कहते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहनों की आंखों में से आंसू निकलते हैं धुएं से, जब आप सिलेंडर इतना महंगा कर दोगे तो फिर वो गैस के चूल्हे कहाँ से जलाएंगी, वो फिर गोबर के चूल्हे पर आ जाएंगी और फिर धुआं उठेगा, फिर उनकी आंखों में दिक्कत आएगी। मैं कहना चाहता हूँ, क्या मुंह लेकर आप जनता के बीच जाओगे। आज मैं गोबर के गुस्से पात कर गैस की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करता हूँ और आम जनता की आवाज़ को ऐसे ही मैं उठाता रहूँगा। जय हिंद।